हाय फ्रेंड, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं आलू और सूजी का पिज्जा बनाने। दोस्तों, तो देखिए, छोटे साइज के आलू पड़े थे दोस्तों, तो हमने सोचा बेस्ट होने से अच्छा कि इसे कुछ बना ले। तो इसको अच्छी तरह से हमने छील लिए और ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह हमें सभी आलू को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके सारे आलू को ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ग्राइंड हो चुका है सारे आलू, देख सकते हैं। अब हम एक कप सूजी लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। उसके साथ साथ हमने दही लिए हैं 3 से 4 चम्मच। उसके बाद देखिए, सूजी हमने सारा 1 कप जो लिए डाल दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम सूजी डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार डालने से हो सकता है ज़्यादा गीला भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे सूजी को डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे मिक्स करना है। तो मेरा मिक्स हो गया है। पिज्ज़ा के लिए हमने लिए हैं 1 कटी हुई टमाटर, गाजर, मिर्च और प्याज। तो देखिए, अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम एक तवा लिए हैं, इसको गरम होने दे दिए। उसके बाद देखिए, हम चाट मसाला और काश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक लिए हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अभी। तो मेरा पैन अच्छी तरह से गरम हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। और हमने तेल पहले से इसमें 1/2 चम्मच दे दिए थे। अब इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए, हमने तेल को अच्छी तरह से फैला लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और मेरा पैन भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से हमने पेस्ट डाल देंगे, देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे। उसके बाद इसमें हम सारी सब्जियां सजाएंगे। तो मेरे पास जो भी सब्जियां थी दोस्तों, वही हमने लिए हैं। आपके पास जो भी सब्जी है वो ले सकते हैं। तो देखिए, टमाटर, प्याज और गाजर हमने लिए हैं। आप चाहे शिमला मिर्च, पनीर, मशरूम, ये इन सब चीज़ों को भी आप ले सकते हैं, पत्ता गोभी, तो जो भी आपके पास है दोस्तों। तो हम, मेरे पास यही 2-3 सब्जी थे, तो हमने ले लिए हैं। और इसे अच्छी तरह से अब हम सजा लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छी तरह से सजा लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसी तरह हमें सजाना है। तो देखिए, देखने में भी अच्छी लग रही है दोस्तों, इस तरह से सजाने के बाद। और इस तरह हम तो पिज्ज़ा का रेसिपी डाले हैं दोस्तों, लेकिन वो चीज़ वाला पिज्ज़ा था, ये हम बिना चीज़ वाला पिज्ज़ा बना रहे हैं। और वो तो मैदा का था, और इसे हम आलू और सूजी से बना रहे हैं दोस्तों। दोनों में तो बहुत ही फ़र्क है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सजा लिए हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो आप पाव भाजी मसाला भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम पूरे में इसे अच्छी तरह से डाल दिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम सब्जियां हल्की नमक डालेंगे भी। तो पहले हम इसे काश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे हल्का। तो देखिए, हमने डाल दिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम सब्जियां ऊपर से डालें दोस्तों, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा तो नमक चाहिए ही दोस्तों। तो थोड़ा सा ऊपर से हम नमक का छिड़काव कर देंगे। तो देख सकते हैं, हम छिड़काव कर दिए हैं, कितनी अच्छी तरह से नीचे से पक चुकी है दोस्तों। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से करारा बन के तैयार हुआ है। तो
देखिए इस तरह से बनके तैयार हुआ। अब दूसरी तरफ हम आपको फिर से पलट के दिखाएंगे दोस्तों, कितनी अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह का पिज्ज़ा अगर बनाएंगे दोस्तों तो मार्केट वाला पिज्ज़ा खाने छोड़ देंगे। ये इस तरह पिज्ज़ा बनाना बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। बच्चे तो खाते ही हैं चाव से, लेकिन बड़े को भी बहुत पसंद आता है इस तरह का पिज्ज़ा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। तो अब देखिए हम पलट के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मेरा पिज्ज़ा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया दोस्तों। कलर इसका देखिए कितना सुंदर आए हैं और कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में दोस्तों, और खाने में भी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमने और सारे जो हैं बचे हुए उसे भी हम बना लेंगे, जो पेस्ट बचा है। तो दोस्तों देखिए सेम प्रोसेस उसमें भी करना है। आप चाहे तो इसमें ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे चीज़ वाली पसंद नहीं है, इसीलिए हमने चीज़ नहीं डाले। पहले जो हमने ब्लॉग में डाले थे बना के, उसमें हम चीज़ डाल के ही बनाए थे। तो देखिए सेम उसी तरह प्रोसेस में हम दूसरा भी बना लेंगे। तो उसी तरह हमने पेस्ट को डाल देंगे और अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसमें हम सब्जियां को सजावट कर देंगे। तो उसी तरह से मेरा दूसरा भी बनके रेडी हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हुआ है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कलर इसका कितना सुंदर आया है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो अब हम पिज्ज़ा के सेम में से हम कट लगा के दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने कट लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कट लगा चुके हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कटा है और कितना ही स्पॉन्जी बना है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरह के पिज्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। और मेरा वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करें दोस्तों, और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।